कड़ी मजबूती के साथ इस सरकार का विरोध करके हम अपने हक को और अपने अधिकारों को छीनने का काम करेंगे। युवाओं को बरगलाने की कोशिश ना करें। एनएसयूए पूरे राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ने को जा रही है कि कल हनुमानगढ़ के अंदर भी आपने देखा होगा कि कलेक्ट्रेट के ऊपर भारी एनएसयूए के छात्रों ने मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। आप छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाओ ताकि एक निम्न स्तर एक गरीब परिवार से आने वाला छात्र भी ऊपर विधानसभा लोकसभाओं में हमारे हितों की रक्षा कर सके, हमारे अधिकारों के लिए लड़ सके। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर हमने प्रेमचंद जी बेरवा को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि जो आपने घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है उस वादे पर खरा रहे। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा, सद्बुद्धि दे भगवान। प्रेमचंद बेरवा। नमस्कार, राम राम। मैं महादेव और आप सब स्वागत है झल को बीकानेर पर। फिलहाल इटा मैं बीकानेर रे डूंगर कॉलेज रे मायने मौजूद, जटे डूंगर कॉलेज रे छात्र है जिका कॉलेज चुनाव ने लेर हवन भी कर रहा है और हवन रे सागे सागे पे कॉलेज इलेक्शन रे वास्ते ज्ञापन भी सौंप रहा है। एक तरफ देख सको थे कई विद्यार्थी है जिका और कुछ छात्र नेता है जिका हवन कर रहा है। एक तरफ रोज को दृश्य है वो भी थे देख रहे हो। बाकी साथ ही साथ ये लोगों से जानने की कोशिश कराना है कि कुछ मांग है तो लगातार थे वीडियो सागे जुड़ी आ रही है। तो बापन सागे कॉलेज जी का छात्र है वह भी आपने सागे मौजूद है, जानकारी लेवांगा। सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जलको बीकानेर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सदैव जब भी छात्र हितों की बात आती है आप सबसे पहले हमारे पास हाजिर रहते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। तो सबसे पहला तो आप वही सवाल है कि आज जी को सद्बुद्धि हवन करियो है और की वास्ते करियो और पीछे के कारण। देखो, राजस्थान सरकार में मारा उच्च शिक्षा मंत्री है प्रेमचंद जी बेरवा, जो शाम के 8 बजे के बाद में वो बयान देते हैं कि हमने ना तो छात्र संघ चुनाव को बंद किया है ना हम चालू करेंगे। लेकिन अब राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव थे तो वह अपने घोषणा पत्र के अंदर बीजेपी सरकार ने ये लिखा था कि हम छात्र संघ चुनाव की बहाली करवाएंगे। आज उसी को लेकर, छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर हमने प्रेमचंद जी बेरवा को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि जो आपने घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है उस वादे पर खरा रहे, युवाओं को बरगलाने की कोशिश ना करे। जिस प्रकार राजस्थान में आपने युवाओं से वोट मांगे जिस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे को पूरा न करके उनको बरगलाने का काम आप कर रहे हो, उनके साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हो, तो एनएसओ ये कदम भी नहीं सहन करेगी और सड़कों पर उतर के ये लड़ाई लड़ेगी छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर। और छात्र संघ चुनाव जो को मुद्दो है और सिर्फ एक बीकानेर रे मायने ही रुख पकड़ियो या फिर और भी कई जगह है जी की चीज ने लेर बढ़ावा दे रहा है। देखिए, आपको सरकार में बता दूं कि कल हनुमानगढ़ के अंदर भी आपने देखा होगा कि कलेक्ट्रेट के ऊपर भारी एनएसयूए के छात्रों ने मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, वहां पे लाठीचार्ज हुआ है छात्र संघ के चुनाव की बहाली को लेकर। हम पूरे राजस्थान के अंदर 1-2 दिनों के अंदर एनएसयूए पूरे राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ने को जा रही है, जिसमें ये तो अभी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के अंदर हमने शुरुआत की है बीकानेर के अंदर कि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आज सद्बुद्धि यज्ञ रखा है, कल एक अलग मूवमेंट होगा, परसों और मूवमेंट होगा, धीरे धीरे इस आंदोलन को तेज करने का काम एनएसयूए के साथ ही करेंगे और पूरे राजस्थान के अंदर बड़ी मजबूती के साथ इस सरकार का विरोध करके हम अपने हक को और अपने अधिकारों को छीनने का काम करेंगे। लेकिन छात्र संघ चुनाव है, चुनाव ने ले रही तो जोर और तो तूल क्यों पकड़वा रही है? देखिए सरकार, पिछली बार जिस पर चाहे विश्वविद्यालय की कमेटियों का नाम ले लें, चाहे महाविद्यालय कमेटियों का नाम ले लें, उन्होंने जिस प्रतिकूल परिस्थिति को विधानसभाओं का एक मैसेज देते हुए कि विधानसभा चुनाव है जिसके कारण ना तो चुनाव करवाए जाएंगे ना कोई बात, और जिस प्रकार कमेटियों ने संहिताओं के उल्लंघन को लेकर जो बातें कही गई थी, जिसके बाद सरकार ने इस छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। तो मैं बता दूं कि पिछली बार जो प्रतिकूल जो परिस्थितियां थी उसके कारण न हुए चुनाव, लेकिन इस बार अनुकूल परिस्थितियां होने के साथ साथ विश्वविद्यालय की कमेटी, महाविद्यालय कमेटी छात्र संघ चुनाव के लिए चुनाव करवाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की मंशा कम है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर छात्र नेता पूरे साल 365 दिन रहकर मदद करते हैं, बड़े भाई बनकर, एक छात्र का बड़ा भाई बनकर उनका सहयोग करते हैं, चाहे उनके हकों के लिए लड़ते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो आप देख लीजिए उनके जब परीक्षा का परिणाम एक तरह से छात्र संघ चुनाव है, जिनकी मेहनत को रंग देने का काम छात्र संघ चुनाव करता है, उस चुनाव को यदि बंद कर दिया जाएगा तो इस देश के अंदर जिस प्रकार लोकतंत्र के अंदर एक युवाओं की भागीदारी होना कम हो जाएगा, और इसी को लेकर हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाओ ताकि एक निम्न स्तर एक गरीब परिवार से आने वाला छात्र भी
ऊपर विधानसभा लोकसभाओं में छात्र राजनीति से निकलकर बड़े बड़े औदों पर जाकर हमारे हितों की रक्षा कर सके, हमारे अधिकारों के लिए लड़ सके साथ। छात्र राजनीति क्यों जरूरी है? देखिए सरकार जिस प्रकार एक व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा अपने पहली कक्षा से लेना स्टार्ट करता है तो वह धीरे धीरे परिपक्व होता है कि एस एन आर आ श्याम ई से मेरी छोटी सी ईक वह बात है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आज शुरुआत एक तरह से पहली सीढ़ी है, अपने राजनीति के अंदर पहली सीढ़ी छात्र संघ को माना जाता है। यहां से जो परिपक्व होता है तो आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा जो नेता बनेगा वो छात्र संघ से निकला हुआ ही बनेगा। आप देख लीजिए आज राजस्थान की जो कांग्रेस के सीएम थे पिछली बार अशोक गहलोत जी, वो अपने एनएसयूआई से निकलकर एक बड़े नेता बने और सीएम राजस्थान के बन चुके हैं। तो उनको एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो वो भी एक छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बीच में से एक गरीब किसान परिवार का एक युवा निकले ताकि वो आने वाले समय के अंदर एक गरीब किसान परिवार के हकों की लड़ाई लड़े और हमारे विधानसभा लोकसभाओं के अंदर हमारी आवाज उठाए। सर आज जी को हवन और जी को ज्ञापन दे रहा हो, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा या फिर आपने और कुछ उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा? देखिए सरकार ये तो एक तरह से मूवमेंट की शुरुआत है, धीरे धीरे इसको तुल पकड़ेंगे। यदि सरकार हमारे इस सामान्य प्रयास से यदि मानती है तो इस सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। यदि समय रहते इस मांगों को नहीं माना जाता है तो धीरे धीरे इस आंदोलन को तेजी प्रदान करेंगे और आने वाले समय के अंदर चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े चाहे सरकार से ईंट बजानी पड़े तो हम तैयार है। एनएसयूआई का साथी बड़ी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। प्रेम तन भेरवा इन मही स्वाहा, प्रेम तन भेरवा इन मही स्वाहा, प्रेम तन भेरवा इन मही स्वाहा, प्रेम चंद उप शिक्षा मंत्री स्वाहा, प्रेम चंद उप शिक्षा मंत्री भेरवा इन मही स्वाहा। पूरा वीडियो भी आप देखे हुए हो, आप सभी कहीं कुछ राय है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए या फिर ना होना चाहिए? मैं बताता था मन कमेंट हम जरूर जरूर बताओ वाला। राम राम जी, मैं महादेव और थे देख रहे झलको बीकानेर।